तुम लेकर लेकर सूरज सोलो अच्छी गेंद ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था, रन लेने का प्रयास भी था लेकिन रक्षात्मक तरीके से बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी आउट हुए तो उनके जगह पे नए खिलाड़ी आए हैं। अब वो जो चिंता थी बॉलर के लिए कि बाएं और दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के खिलाफ बॉलिंग करना, वो थोड़ी सी चिंता इस वक्त दूर हुई होगी। क्या कहेंगे आप? बस एक माइंड गेम यानी दबाव का तरीका अब एक दो साल से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट में कि एक टीम आई थी श्रीनारायणपुर में खेलने के लिए, उनके पास छह लेफ्ट आर्म बॉलर और अपोजिशन को पता नहीं है कितना क्या है उसके साथ में लोग यानी दबाव का जो उन्होंने प्रदर्शन किया था और सेमी फाइनल में हालांकि हार गए थे और इसी तरह की कुछ मंसूबा रहती है आज के क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों के बीच लेफ्ट आर्म बॉलिंग को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो फिर से लेफ्ट आर्म बैट्समैन शायद मुझे लग रहा है कि फिर से लेफ्ट आर्म ही आए। हाँ सेकेंड स्टार में आज बॉलिंग को लेकर और इसके बाद में जब स्कोर बुक को पलटा थाने के साथ ही तो देखा था कि पहले मुकाबले में लीग मुकाबला जो हुआ था इनका चार विकेट अर्जित किए थे और मैन ऑफ द मैच का शिकार हुए थे। हालांकि इनका विकेट का अगर काउंटिंग किया जाए तो आज के मैच से पहले 9 विकेट अर्जित कर चुके थे, मात्र 22 रन लगे बनाए थे अपने टीम के लिए। मैं गेंदबाज से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और मैं आपको बता दूं कि अब यहां से देखना होगा कि इतनी अच्छी गेंद थी और उसे बिल्कुल सही सम्मान दिया और पहले खेल आया वहां पे एक रन के लिए दौड़ पड़े एक रन पारी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इस टीम ने अभी तक काफी सही से उपयोग किया है। उस टीम में भी एक दो खिलाड़ी बाएं हाथ के थे लेकिन अभी तक ये जो कॉम्बिनेशन है काफी सही साबित होता हुआ जगतपुर टीम के लिए। 2 विकेट भी मात्र खोए हैं और रन भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 30 रन हो चुका है और थोड़ा सा परेशानी का सबब मिस्टर खड़े हैं लेफ्टी के आते ही उतनी छोर पर जाना पड़ता है और बखूबी जिस प्रकार से इन दोनों अंपायर मिस्टर गौरव सिन्हो या फिर मिस्टर विलेस ने निभाई है इस टूर्नामेंट में भारी भूमिका कबल तारीफ लेकिन लेता गेंदबाज है तो इनको ऑफिसम के बाहर जो है गेंदों को निकालना होगा और एंगल जो बनता है वो उसके काम करना होगा क्योंकि वहां पे फ्लिप भी लगा रखा है। मैं तो कहूंगा कि एक और एक्स्ट्रा फ्लिप लगाए और लेकिन वहां पे एक थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि कहीं लूज गेंद पड़ती है क्योंकि रन भी आपके कम है तो दोनों चीजों को आपको देखना होगा कि आप रन गति पे अंकुश लगाए और साथ साथ विकेट भी निकालते रहे दोनों काम यहाँ पे कर रहा है। इस चीज उनके बल्लेबाजों ने जो जल्दबाजी दिखाई वो दिखाना नहीं था उसके कारण वो विकेट उन्होंने खोए लेकिन कोई बात नहीं क्रिकेट है चलता रहता है विकेट आते हैं जाते हैं लेकिन विकेट की कीमत बहुत ही बहुमूल्य होती है खासकर वो उस पर मैच हुए। जिस प्रकार से आप लास्ट सेमीफाइनल का मुकाबला अच्छी गेंद ऑफ साइड में बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के लिए खेला है वहां पर घुटने के सहारे